हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज दिन भर बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने के लिए। अभी आप जैसे देख रहे हो रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30। ऑफिस का काम जस्ट ख़त्म हुआ है और खाना खा के जस्ट निकला हूँ जिम के लिए। फाइनली दोस्तों, हमारे जो MBA के एग्ज़ाम थी 4 सेमेस्टर के ख़त्म हो चुके हैं। कल ही ख़त्म हुई थी। एक दिन में 2 पेपर थे और पूरे 7 एग्ज़ाम थे, 7 पेपर थे, तो 4 दिन लगे पूरे। हमारे फ्राइडे को स्टार्ट हुए थे और मंडे को ख़त्म हुए। फाइनली अभी थोड़ा रिलीफ मिला है और अच्छी बात ये कि हमको आने वाले वीकेंड सैटरडे संडे छुट्टी रहने वाली है, तो उसके बाद में हमारा जो 5th सेमेस्टर है नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास में ऑलमोस्ट अभी 2 दिन हैं घूमने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले सैटरडे संडे जिनित को मैंने मैसेज किया कि कहीं जाते घूमने के लिए, बहुत दिन हो गया उसको भी मिला नहीं मैं, वो भी घर अपना शिफ्ट वगैरह कर रहा है तो बहुत दिन उसको मिला नहीं हूँ। तो करते हैं प्लान कुछ। 15 अगस्त को तो जब इंडिया में छुट्टी होती है, जापान में छुट्टी नहीं होती, तो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है एम्बेसी में, जापानीज एम्बेसी में। शायद हम लास्ट ईयर गए थे, उसका व्लॉग भी मैंने बनाया था। अगर आप चाहते हो मैं फिर से वहाँ पर जाऊँ तो एक्चुअली छुट्टी नहीं है, मैंने जैसे बोला आपको जापान में फ्लैग होस्टिंग का कुछ होता नहीं है, छुट्टी नहीं देते हैं वो, बस इंडियन एम्बेसी में उसको सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इंडियंस लोग वगैरह वहाँ पर आते हैं। तो अगर आप चाहते हो मैं फिर से वहाँ पर जाऊँ, ब्लॉग बनाओ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह आई थिंक वो 9 बजे होता है, मेरे घर से 1.5 घंटे जाने को लग जाता है, तो मुझे सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे निकलना पड़ेगा, फिर से आके मुझे ऑफिस का काम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से वहाँ पर जाऊँगा, अगर आप नहीं चाहते तो आप मेरा लास्ट ईयर का ब्लॉग भी देख सकते हो। हमारी जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। आई थिंक पिछले 2 हफ्तों से मैंने स्टार्ट किया है और मेरा जो वेट है ना वो ऑलमोस्ट अभी 2 किलो कम हो चुका है। हर वीक में मैं 0.25 या 0.3 ऐसा मेरा जो वेट है वो मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हम खड़े हैं जिम के बाहर और आज हम करने वाले हैं दोस्तों लेग का वर्कआउट। वैसे मन तो बिल्कुल है नहीं, एनर्जी बिल्कुल बची नहीं है, क्योंकि जो मेरा डाइट था वो मैंने पूरा एकदम कम कर दिया है। कैलोरीज साइकिल गिरा दी बंदे ने, थाउजेंड कैलोरीज मैंने अभी ऑलमोस्ट कम कर दिए, तो एनर्जी लेवल उतना है नहीं, बट स्टिल आज हम करने वाले हैं लेग का वर्कआउट और मिलता हूँ आपको वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। हो गया दोस्तों आज का लेग वर्कआउट ख़त्म और जस्ट मैंने प्रोटीन पिया है, वे प्रोटीन ओनली, और उसमें 5 ग्राम क्रिएटिन नहीं ग्लूटामिन डाला है। क्रिएटिन तो मैं वर्कआउट करते टाइम पे लेता हूँ, पर अभी हम यहीं जिम के बाहर बैठे हुए, इतने पैर दुख रहे मेरे, और अभी मेरा बिल्कुल भी ना ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिम में हो चुका है अभी मेरा झगड़ा। अरे ये जापान में सच में ना, यानी क्या ही बोलो आपको, ये साइको लोग होते कुछ कुछ, 50 में से 1 लोग साइको आपको मिल ही जाएंगे, और मेरे जिम में भी है। यानी पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली मैं आपको 2-4 किस्से तो बताया ही है कि क्या क्या हुआ है जिम में, जो स्टाफ वगैरह है बार बार आते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं बेवजह। बट साथ में एक बंदा भी है, बंदा नहीं एक्चुअली अंकल है, मेरे हिसाब से 50, 55, 60 साल के होंगे। तो पता नहीं उनको फॉरेनर से क्या प्रॉब्लम है, पहली बार नहीं हुआ है, 2 बार हो गया मेरे साथ में। मैंने लास्ट टाइम को बताया नहीं ये किस्सा, क्योंकि मुझे वो मैंने इग्नोर किया वो बात को, मतलब क्या ही बताओ आपको, बट आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ना तो मैं सोचा आपको बता ही देता हूँ। झगड़ा हो गया मेरे उसके साथ में आज, क्यों? क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा था, डंबल यूज़ कर रहा था, डंबल यूज़ करने के बाद मैं जब उसको नीचे रख रहा हूँ, अब यहाँ पे पूरे जिम के अंदर मैट है, स्पंज वाला मैट होता है, जिसमें आप थोड़ा जोर से भी रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिम में ऑफकोर्स आप डंबल जोर से रख भी दो तो कोई दिक्कत है नहीं, प्लेट्स हो गया, डंबल हो गया, थोड़ा बहुत आवाज़ आता ही है। अब वो बंदा जब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 1/2 घंटे से मेरे पास ही नज़र रख रहा है। मेरा 1-2 बार ध्यान गया ना मेरे पास क्यों देख रहा है बार बार, तो मैं इग्नोर किया। फिर आया मेरे पास में और मुझे बोलता है, जापानी से बोलता है कि ये जो डंबल है वो धीरे से नीचे रखो। बोले हैं, क्योंकि इसने मुझे पिछले बार भी सेम चीज़ बोला था और मैंने उसको ओके बोल के ठीक है बोल के, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने आपको शायद एक किस्सा बताया था, तो मैंने उसको ओके थम्स अप ऐसा बोल दिया था कि भाई हाँ ठीक है मैं धीरे रखूँगा, फिर वो चला गया। आज फिर से मेरे पास में आया और मुझे बोलता है कि धीरे से रखो बोल के, और थोड़ा अलग अंदाज से बोला उसने आज, तो मैं बोला यार, फिर मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। तो आज वो फिर से मेरे पास में आया तो बोला यार, बाकी लोग भी वहाँ पर वर्कआउट कर रहे, वो भी ज़ोर से रख रहे, मेरे पास ही आ गए मुझे क्यों, और एक बार नहीं 2 बार हो गया मेरे साथ में, तो मेरा थोड़ा पेशेंस लूज़ कर दिया मैंने। और मैंने उसको पहले तो जापानीज में बात करना स्टार्ट किया, जापानीज में मैंने उसको बोला कि भाई देख यार, जिम है, मैं जिम में हूँ, तू भी जिम में है, आवाज़ तो आई गई, तो कैसा है ना कि जापानीज को अगर थोड़ा जापानीज में बात करना स्टार्ट कर दो ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही कर दे। तो मैंने फिर इंग्लिश में बात किया कि भाई उसको समझ में नहीं आना चाहिए और मेरा भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अच्छे से निकलना चाहिए, तो मैंने उसको इंग्लिश में बोलना चालू किया। और इंग्लिश में मैंने सीधा उसको बोला कि भाई ये जिम है और डंबल का आवाज़ आएगा,
और तेरे को दिक्कत है तो स्टाफ के पास जा, तो मेरे पास डायरेक्टली मत आ। तो पहले भी आके गया मेरे पास में, अभी भी आ रहा है, बाकी लोग भी यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक ने भी मुझे आके कुछ बोला नहीं अब तक। तो आधे घंटे से मुझे नोटिस कर रहा है, मैं आदमी मेरे पास में आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि ऐसा करो वैसा मत करो, डंबल ऐसा रखो, मुझे इंस्ट्रक्शन तू नहीं दे सकता। अगर तुझे दिक्कत है स्टाफ के पास जा, स्टाफ को बोल, वो मुझे आके बोलेगा क्या करना है, तू मत बोल। तो स्टिल मुझे बोल रहा है कि इंग्लिश में बात कर। मैं बोला भाई मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ये कोई जैपनीज नहीं, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो उसको इंग्लिश आ नहीं रही थी, तो वो थोड़ा ये हो गया, लाइक मैंने उसको बोला जा तू, वो गया अपना। और फिर मैं बोला कि यार नहीं, इस इतने से कुछ होने वाला है नहीं, मैं जाता हूँ स्टाफ के पास में। मैं गया स्टाफ के पास में काउंटर पे और उनको मैंने बोला कि भाई देखो ये बंदा है, वो बार बार फॉरेनर समझ के मेरे पास में आ रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बोल रहा है ऐसा करो वैसा मत करो, मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भले बाकी आस जिम में है लोग काफ़ी सारे, वो मुझे आके ही बोल रहा है। तो आप उसको जाके बोलो, अभी वो मेरे पास में नहीं आना चाहिए ऐसे बार बार मुझे करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा साइको बंदा मुझे लगा, मतलब बार बार आ रहा है। तो फिर स्टाफ ने ही बोला कि उसका क्या कैसा दिखता है क्या, और क्या मुझे बताया मैंने उसको कि भाई थोड़ा मोटा है, सर पे बाल नहीं है उसके बिल्कुल भी, और बेंच प्रेस कर रहा है। तो ठीक है ठीक है, हम उसको जाके बता देंगे। 3-4 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था ऐसे ही, जिम में एक बंदा था और वो भी इसी तरीके से साइको बंदा। तो मैं चेंजिंग रूम में गया था और पानी पिया, वहाँ पे पानी के एक दो ड्रॉप नीचे गिर गए थे। तो मेरे बाद वो बंदा गया और मुझे आके बोलता है कि भाई, वापस बुलाया उसने मुझे और मुझे साफ करने को बोला पूरा। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, बहुत पुराना वीडियो, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वो भी देखना। तो जिम में आते कुछ कुछ साइको लोग ऐसे थोड़े दिमाग से पैदल होते हैं, पैदल ही बोलना पड़ेगा, फॉरेनर को देख के ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जैपनीज के साथ में ऐसे नहीं करेंगे, वो जब फॉरेनर उनको देखेंगे ना, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है उनको, उनको जैपनीज जैसा कोई बंदा नहीं दिखाना, तो जाके पोक करेंगे उनको बेवजह। और ऊपर से आज जिम में इतनी गर्दी, ऐसा लग रहा था कि मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया, टोक्यो के स्टेशन पे आ गया, इतना भीड़ था आज। मैंने एक मशीन से दूसरी मशीन पे जब मैं वॉक करके जा रहा हूँ तो ऐसे धक्का लग रहे थे लोगों को, और पसीने की तो यानी गर्मी और ऊपर से इतना भीड़, पूरे जिम में पसीने की स्मेल आ रही लोगों की, यानी आजू बाजू में वर्कआउट कर रहे तो भी ऐसे मन नहीं कर रहा था वर्कआउट करने का। ये बड़ा डिसएडवांटेज है जापान के जिम का, एक तो जिम छोटी होती है और कभी कभी इतना भीड़ हो जाता है ना। और कोको ने तो छोड़ दिया जिम ही, अगर आपको पता होगा उसका पेशेंस लूज हो गया, उसने छोड़ दिया सीधा मुझे भी बोला उसने छोड़ने के लिए, बट तो वही है कि मेरे घर के पास में ये कि बड़ा जिम है और जल्द ही मैं इसको छोड़ने वाला, क्योंकि मैं भी मेरा घर अभी छोड़ने वाला हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है, वो अभी ख़त्म होने वाला है, तो अभी हम नए एरिया में जाने वाले हैं रहने के लिए, तब हम नया जिम लगाएंगे, टाइम उसको थोड़ा। चलो अभी जाते हैं घर पे, घर पे जाके अभी डिनर भी बनाना है लास्ट मील, क्योंकि हम कैलोरी काउंट करके खा रहे हैं, तो मैं दिन में ही क्या क्या खाना है सब लिख के रख लेता हूँ। आ गए घर पे फाइनली, आते आते हमने जो माया बास्केट पे वहाँ से भी हमने सामान खाने पीने का थोड़ा लाया, और बहुत दिन से मैंने मेरा जो मेल बॉक्स है वो भी नहीं खोला है, दिख तो रहे काफ़ी सारे इसके अंदर बेवजह के पॉम्पलेट, बट एक आया है ये वाला सारा डेंटल क्लिनिक, आपको बताऊंगा मेरे घर के पास में वो सारा डेंटल क्लिनिक है जहाँ पे हमने मेरा दांत तोड़ा था, जो दांत थी वो दुख रही थी ना मेरी, तो वो हमने निकाल दी थी वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ एनवेलप भेजा है, मुझे लग रहा है शायद लास्ट टाइम मैंने उनको बोला था कि मुझे, मैंने वहाँ पे क्लिनिंग भी कराया था दांतों का, तो उनको बोला था मैंने कि मुझे फिर से क्लिनिंग करवाना है, उसका रिमाइंडर है। इन्होंने रिमाइंडर भेजा है मुझे कि तुम्हारा अभी दांत कैसा है, जापनीज़ में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम्हारा दांत कैसा है, लास्ट टाइम आपने दांत निकाला था तो अभी कैसा लग रहा है, और फिर से अपॉइंटमेंट लेके आप आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो लेके आना, और एक बार फिर से आपका दांत ठीक से वहाँ पे चेकअप करवा लेना। वैसे तो हमारा दांत को भी कुछ हुआ नहीं निकालने के बाद में, तो ठीक ही है। और हाँ, अभी माय बास्केट तो से आते आते मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे पैनिक शॉपिंग हो रही ज़्यादा अर्थक्वेक आने की वजह से, यहाँ पे मेगा क्वेक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेगा क्वेक आने के बहुत यहाँ पे हाई चांसेस है, तो यहाँ पे जो राइस है ना लोग बहुत खाते हैं, तो वो एडवांस में खरीद के ले गए जा रहे हैं, तो 2 दिन से यहाँ पे राइस थे नहीं। अभी मैं माया बास्केट में गया तो मुझे सिर्फ एक पैकेट वहाँ पे राइस का दिखा लकीली, वो मैंने अभी ला लिया, और मेरे राइस ख़त्म हो चुके थे, कल ही ख़त्म हो गए थे, आज मुझे बनाने के लिए थे नहीं, दिन में राइस मैंने खाए नहीं, तो अभी मैंने राइस लाया, बनाता हूँ राइस। हो गया दोस्तों खाना वगैरह खा के सब कुछ करके भी ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं, और वैसे हमारे एग्जाम वगैरह तो ख़त्म हो गए, तो मैं भी स्टार्ट किया है लास्ट किंगडम देखने का, द वाइकिंग्स तो मेरा ख़त्म हो गया देख के, बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज, और मुझे तो भी कमेंट किया था और उसमें लास्ट किंगडम भी मेंशन था, तो मैंने सोचा कि चलो
वो देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको मेरे फेस के कलर में थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा होगा, मैं भी शायद अभी पता नहीं चलेगा, कुछ दिनों में आपको मेरा जो फेस है बॉडी है वो धीरे धीरे थोड़ी डार्क कलर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया है टैनिंग करना। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरे जिम के अंदर एक मशीन है, टैनिंग मशीन, उसके अंदर आप आर्टिफिशियली बॉडी को टैन कर सकते हो। आर्टिफिशियली यानी देखा जाए तो वो नेचुरली होता है, जैसे हम धूप में जाके बॉडी को सनबात करते टैन करते, वैसे वो मशीन है। अगर यहाँ पे धूप नहीं है, धूप में आप जाके अगर बॉडी टैन नहीं कर सकते हो, तो आप मशीन के अंदर भी बॉडी को टैन कर सकते हो। अब वो टैनिंग में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम कलर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें कि मैंने पार्टिसिपेट किया था, या फिर आपको पता होगा कि जो इंडिया में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होती है तो उसमें वो कलर होता है, क्या बोलते उसको पता नहीं, टैनिंग कलर कुछ होता है, वो बॉडी को ब्रश से पूरा लगाते हैं और उससे बॉडी जो होती है वो कट्स वगैरह होते हैं अच्छे से दिख कर आते हैं। तो वो टैनिंग जो है वो यहाँ पे आप वो कलर लगा नहीं सकते बॉडी को, बिल्कुल अलाउ नहीं कॉम्पिटिशन में। अगर आपने थोड़ा भी कलर लगाया आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर अगर आपका बॉडी नेचुरली टैनिंग है, धूप में टैनिंग कर लो या मशीन में उसको टैनिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो कलर आप बॉडी को नहीं लगा सकते। तो एक महीना अभी बचा है हमारे कॉम्पिटिशन को, तो और मुझे टाइम तो मिलता है नहीं धूप में जाके टैनिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं वो जो मशीन है उसमें अभी टैनिंग करने वाला हूँ। और उसका जो प्राइस है वो वन टाइम का, एक टाइम में 10 मिनट आप अंदर उस मशीन में खड़े रह सकते हो, और उसका प्राइस है 1100 येन, यानी ऑलमोस्ट कितने हो गए 600-700 रुपये 10 मिनट के। और उस मशीन के अंदर पूरे लाइट्स लगे होते हैं, उसके अंदर आप खड़े रह सकते हो, वो बाहर से तो लगेंगे टाइम मशीन है, बट अंदर जाने के बाद में आपको पूरे लाइट्स दिखेंगे, और जैसे वो ऑन कर दोगे आप पूरा लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और जो यूवी लाइट है वो आपके बॉडी पे आएगी और आपकी बॉडी धीरे धीरे टैन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने अभी तो एक ही सेशन लिया है, उतना फ़र्क अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आने वाले कुछ वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो फेस है बॉडी पूरा धीरे धीरे ब्राउन शेड में ब्लैक कलर की धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले वीक में कहाँ जाऊँ, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो जिनीत को तो बोल के रखा है मैंने कि ढूंढ कोई जगह अच्छे से, बट अगर आपको भी पता होगा कि कोई अच्छी जगह है या आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊँ, ज़्यादा दूर मत बताना, आप कोई प्रीफेक्चर में मत बताना, टोक्यो के आसपास 1-2 घंटा लगे वैसे, अगर आपको कोई जगह पता होगी तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आने वाले वीकेंड में मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा और आपके लिए व्लॉग बनाऊँगा, तो जल्दी से कमेंट कर देना नीचे। तो अभी आपको मेरा जो बॉडी स्टेटस है वो बता देता हूँ। आई थिंक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो मैं वहाँ पे बीच बीच में पोस्ट कर रहा हूँ मेरे बॉडी के फोटोज़ की कैसा स्टेटस वगैरह है, बट अभी भी आपको बता देता हूँ कि मेरा वेट तो भी मैंने आज चेक किया था 78 किलोग्राम था, 2 किलो मेरा पिछले 2 वीक में कम हो चुका है। तो अभी आपको मैं मेरा स्टेटस बताता हूँ बॉडी का कैसा है। तो अभी मैंने खाना खाया तो शायद थोड़ा फुल हो गया है बॉडी, बट जैसे कि आप देख रहे हो अभी मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैट कम हो चुका है। यूजुअली जो फैट होता है ना वो यहाँ पे ज़्यादा जमा होता है ये वाले साइड में, लो एंगल्स बोलते हैं इसको, ये कम करना बहुत ही मुश्किल है। तो आने वाले अभी 4-5 वीक में मुझे ये जो कोर पार्ट है यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अभी तो शायद आपको अच्छे खासे एब्स दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे मुझे अभी और काम करना है, और फैट कम करना है, और 2 किलो वजन मुझे कम करना है। बैक भी देख लो, जो पोजिंग है ना, पोजिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छी खासी, क्योंकि स्टेज पे जाके आपको पोजिंग देना पड़ता है, उसके भी पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी मुझे अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टी-शर्ट पहन लेता हूँ, जो एसी है ना ऊपर ही है मेरे यहाँ पर पूरी ठंडी हवा मेरे ऊपर आ रही है, वैसे तो बाहर देखा जाए तो गर्मी है, बट अभी मैंने 20 डिग्री पे एसी लगा के रखा है। ये भगवान पता नहीं अभी ये महीने का मेरा बिल कितने आने वाला है, क्योंकि दिन भर 24 घंटे मेरा जो एसी है ना वो ऑन रहता है। तो अभी तक तो आया नहीं है हमारा बिल, बट जल्दी आने वाले कुछ दिनों में आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इस मंथ का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कितना आने वाला है। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ द लास्ट किंगडम का एक एपिसोड और फिर सोते हैं, और कल फिर से उठ के हमारा जो डेली हमारा डाइट है वो फॉलो करना है, ऑफिस का काम करना है और जिम जाना है। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।